तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि साइन कॉस की जो टेबल होती है ना, जो इतने टाइम से आप याद कर रहे हो, याद होती है फिर भूल जाते हो, आज मैं आपको सिखाऊंगा उसको हमेशा के लिए कैसे तैयार करना है और कैसे उसको आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो कुछ त्रिकोणमिति हमारे कौन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सुनिएगा, यहां पर अपने पास है साइन थीटा, फिर है कोस थीटा, फिर है सेक थीटा, फिर है कोसेक थीटा, और फिर है टेन थीटा, और फिर है अपना कॉट थीटा। अब ध्यान से सुनिए, पहले हम इस लाइन को बना लेते हैं अपने, तो कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ओके, ये लाइन बन गई यहां पर, और ओके, तो ये आपके सामने टेबल दिख रही है। अब होगा क्या माय डियर स्टूडेंट, इस टेबल में हमें सिर्फ और सिर्फ एक मान याद करने की जरूरत है, और वो मान है साइन का, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर ये 1। आप सिर्फ ये एक टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा, तब इतना डेटा आपको समझ में आएगा। वापस सुनिएगा, साइन थीटा का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। 0 का मान 0, 30 डिग्री का ये, 45 का, 60 का, 90 का। ओके, अब सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था साइन और कॉस में 90 डिग्री का संबंध होता है। साइन 0 है ना, सॉरी, साइन 0 है तो कॉस 90, और कॉस 90 है तो साइन 0। क्लियर है? अब यहां से सुनो, मुझे कॉस 0 का मान लाना है तो साइन 90 का मान यहां पर रखिए, कॉस 30 का मान लाना है तो साइन 60 का मान यहां रखिए, और अगर कॉस 45 लाना है, अब कॉस 45 है तो साइन भी 45 होगा, क्योंकि भाई 45 और 45 90, तो ये भी 1/√2। अब कॉस 60 लाना है तो वो साइन 30 के बराबर, साइन 30 1/2, और कॉस 90 लेकर आना है, कॉस अगर 90 लाना है तो साइन 0 के बराबर, साइन 0 0 होता है। अब आप मुझे बताओ, इस एक टेबल को याद करने से दूसरी टेबल ऑटोमेटिक आ गई, और वैसे ये इसकी रिवर्स है, 1√3/2, 1/2, 1/2 और फिर ये 0। लेकिन रिवर्स वाली तो क्या होगा, 2-3 दिन नहीं पढ़ोगे ना, भूल जाओगे, लेकिन अगर 90 डिग्री का रिलेशन याद है तो वो परमानेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा, कॉस 0 का मान लाना है तो साइन 90, कॉस 30 है तो साइन 60, कॉस 45 है तो साइन 45, कॉस 60 है तो साइन 30, और कॉस 90 है तो साइन 0। अब ध्यान से सुनना, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, इसका 1 का उल्टा भाई साहब 1 ही होता है, 1 का उल्टा 1/1 का उल्टा 1/1 ही होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1, इसका उल्टा 2/1, और 0/1 का उल्टा 1/0 होता है, जो अनंत बन जाता है माय डियर स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। वापस बोल देता हूं, ये 0/1 है, इसको मैं 1/0 करते ही ये किसके, किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या इन्फिनिटी बन जाती है, अनंत बन जाती है, अनंत मतलब जिसका कोई मान हमें नहीं पता है। अब आप मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई, सिंपल, अपनी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। वापस सुनना, जिसको साइन का मान याद है वो कॉस का रख सकता है, या तो उल्टी सीरीज लिख दो पूरी, या फिर 90 डिग्री के संबंध से लिख दो, और आपको पता है सेक कॉस का उल्टा होता है, ध्यान रखना क्या होता है, रिवर्स, रिवर्स मतलब 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, √2 2/1 0/1। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे सिंपल सा सुनना, इन दोनों में 90 डिग्री का रिलेशन होता है, वैसे इन दोनों में भी तो 90 का रिलेशन, तो इसको मैं उल्टा लिख दूं, इन्फिनिटी 2/1 √2 2/√3 और 1। जैसे मैंने साइन का उल्टा रिवर्स में, क्रम में उल्टा नहीं लिखा मैंने, क्रम उल्टा लिखा, मतलब 1/√3, वैसे ही सेक का उल्टा कॉस है। अब बताओ, साइन कॉस सेक और कॉस है कंप्लीट हो चुका है, अब बचा टेन, तो टेन होता है वैसे साइन बटा कॉस, तो 0/1 0, 1/2 बटे में √3, तो ये हो जाता है 1/√3।
ओके, जीरो एक बटा रूट तीन, और इसको ऐसे पता करके देख लो, देखो एक बटा दो बटे में रूट तीन, तो दो बटा रूट तीन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अब आप एक काम करो, एक बटा दो रूट दो, एक बटा रूट दो साइन बटा कॉस। अब ये आया कहां से पता है, एक सर्व समीका लिखाई थी मैंने, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन थीटा होता है साइन बटा कॉस जीरो, साइन बटा कॉस ये, साइन बटा कॉस इसके बटे में सेम नंबर है तो एक आ गया, साइन बटा कॉस दो से दो कट जाएगा रूट तीन आ गया, और साइन बटा कॉस वन बटा इंफिनिटी क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। अब आपको पता है टेन का 90 डिग्री का संबंध होता है कोण से, उल्टी सीरीज अनंत रूट तीन एक, एक बटा रूट तीन और जीरो। तो ये अपने टेबल शानदार तरीके से हमने कंप्लीट की है। एक लाइन याद करनी थी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन, वो थी अपने साइन थीटा वाली, जीरो एक बटा दो, एक बटा रूट दो, रूट तीन बटा दो और एक। और देखो इस टेबल को अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आपने दो या तीन बार अपनी कॉपी में लिख दी ना, जिंदगी भर के लिए नहीं भूलोगे, हमेशा बोल रहा हूं मैं, आप चार जनों को और सिखाओगे कि कितनी सरल है ये टेबल। वापस सुनना, साइन की याद होगी, कॉस में उल्टा क्रम, सेक में उल्टी सीरीज रिवर्स कर लो, और जैसे जिसको सेक पता है कोसेक में उल्टा क्रम, टेन साइन बटा कॉस, 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 और जब टेन मिल चुका है तो इसकी उल्टी सीरीज कॉट होती है। तो ये थी भी अपनी इंपॉर्टेंट सीरीज साइन कॉस, सेक कोसेक, टेन और कॉट के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी, और यहाँ पर ये सीरीज देखो ऐसे अच्छी बनी हुई है, मैंने वो पेन से बनाई, यहाँ अच्छी बनी हुई है, ठीक है, आराम से समझ लेना। जीरो एक बटा दो, एक बटा रूट दो, इसकी उल्टी सीरीज कोसेक में, ठीक है, और यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देना, मैंने क्रम से लिखा है, इस कॉस का उल्टा सेक और फिर ये उल्टी सीरीज, और साइन बटा कॉस ये टेन होता है और ये कॉट हो गया, ये सेम सीरीज ये हुआ है ना, अलग नहीं है कुछ भी। चलिए तो अब मुझे एक चीज बताओ, जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखी है सबको क्लियर है? अब कुछ क्या होता है, कुछ विशेष पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब मैं एक चीज आपको थोड़ी देर पहले एक रिलेशन सिखाया था ना भी, कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, जैसे साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर होता है, वो रीजन ये है कि वो एक त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कि साइन 30 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा होता है, और 90 में से 30 जाएंगे तो फिर वो कॉस थीटा बन जाता है। तो यहां पर आपके क्या रिलेशन बनते हैं, ध्यान से सुनना, चार तरह की फॉर्मेटिंग हम पढ़ेंगे, 90 में प्लस और माइनस, 180 में प्लस और माइनस, 270 में प्लस और माइनस, और 360 में प्लस और माइनस। ये त्रिकोणमिति अनुपात हम पढ़ेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, साइन 300 प्लस थीटा, 300 माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन पढ़ेंगे तो फिर कॉस भी टेन भी हर फॉर्मेट, तो कुल मिलाकर चार वैल्यू है, हर वैल्यू की दो टेबल है, तो टोटल हम आठ टेबल का डिस्कशन करेंगे। प्रयास करना कि आप इनको थोड़ा रिवाइज कर सके, पर कम से कम 90 डिग्री वाला जो है, क्योंकि जो वर्तमान में त्रिकोणमितीय अनुपात एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं वो 90 डिग्री तक के हैं। लेकिन क्या होता, कभी कभी हमसे वैल्यू पूछ ली जाती है, कि मान लीजिए आप लोगों से ऐसा पूछ लिया कि साइन 1440 डिग्री का मान बताओ, तो आपको 1440 डिग्री को 307 का चार गुणा होता है, तो 300 या 1440 में 45 और जोड़, 1485 डिग्री हो गया, तो उसको लिखना पड़ेगा कि 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 45, तो फिर वो वैल्यू का मान जो आता है वो हमें सामने रखना पड़ेगा। ओके चलिए, तो साइन 90 माइनस थीटा सबसे पहली सीरीज है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इन दोनों में 90 डिग्री का संबंध, यहां पर टेन और कॉट में 90 डिग्री का संबंध, कॉस और सेक में। तो ये सीरीज तो क्या है, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपको कभी भी हो ना कि कोसेक 90 माइनस थीटा तो वो सेक थीटा के बराबर होता है, कोसेक 90 में से कुछ भी घटा लो वो सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, मैंने बोला कोसेक 90 माइनस 60 डिग्री तो वो हो जाएगा सेक 30 डिग्री, 90 में से 60 घट के जो 30 आया ना वो कोसेक नहीं होकर फिर सेक हो जाएगा।